बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को पार्टी के पक्ष में काम करने सहित गलत बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। बंबर ठाकुर ने सोमवार को स्थानीय परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना पार्टी की बैठकों और धरना प्रदर्शनों में भाग लिए कांग्रेस के पूर्व महासचिव मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक व्यक्ति कांग्रेस के किसी कार्यक्रम या जलसे में नहीं आते हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से बयान लगाए जा रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर का गौरव है, जबकि कांग्रेस पार्टी और पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा की जय जयकार कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास है। हाईकमान को ऐसे लोगों के खिलाफ अंकुश लगाना चाहिए। इस दौरान बंबर ठाकुर ने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। माननीय राठौर साहब ने बांटा चौक से लेकर के कंदरौर तक जो है आंदोलन किया, हमारे सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उस यात्रा में भरपूर हिस्सा लिया और अब 20 तारीख को दो दिन पहले पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया, जिसमें माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमीरपुर में आंदोलन किया, कौल सिंह ठाकुर जी ने और बाली साहब ने मंडी के अंदर जो है आंदोलन किया और हजारों की संख्या में लोग इस दमनकारी सरकार के खिलाफ उमड़े। लेकिन एक व्यक्ति, बिलासपुर का एक व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी को के किसी कार्यक्रम में नहीं आता, किसी धरने में नहीं आता, किसी जलसे में नहीं आता, जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर कोई बयान नहीं देता और अपने एक पूर्व महामंत्री से बयान लगवाता है कि जगत प्रकाश नड्डा तो बिलासपुर का गौरव है। हम बिलासपुर के अंदर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मैं बिलासपुर में उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूं, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश के आला कांग्रेस के नेता जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह और मोदी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं कल मुख्यमंत्री बन जाऊं, सवेरे बन जाऊं। और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के अखबारों में खबरें छपवाना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी को कमजोर करने का ये प्रयास है। मैं हाईकमान से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है अंकुश लगाएं, इनकी गतिविधियों के ऊपर, और इंक्वायरी करें कि क्यों जिला परिषद जो है हमारी 8 व्यक्ति होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग करके जो है भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद बन गई, क्यों सदर ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ पैरेलल कैंडिडेट खड़ा किया, किसने खड़ा किया, इन सारी चीजों की इंक्वायरी। और तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना बताते हैं कि यह हमारा गौरव है, तो वो एक भी बयान आज दिन तक उन्होंने उनके ऊपर नहीं दिया, किसी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। ऐसे मैं कहना चाहूंगा, ऐसे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। इन लोगों को, पार्टी को मजबूत करने के लिए धरने प्रदर्शनों में जाना चाहिए और जो प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में ना आए और जो बड़े नेता के कार्यक्रमों में भी ना आए और बिना कार्यक्रम किए, बिना आंदोलन किए, बिना लड़ाई लड़े सीधा ही कहे कि भाई मैं मुख्यमंत्री, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी।